इरफान भाई, ये अचार इसी मशीन से तेल निकाल के बनाया गया और लाजवाब है। एक चेक करें, मजा आ जाएगा आपको। इरफान भाई, ये तेल देखें, जो बंदा तेल एक बार इस्तेमाल करता है ना, वो बार 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 वो लोगों को रिकमेंड करता है कि यार भाई वो तेल इस्तेमाल करो। इरफान भाई, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये जादू वाली मशीन है। एक बार जरा बंदा इन चलाएगा ना, मैं कहना कि कमाल हो जाएगी। नोट नोट ही नोटा, यकीन करो, तुम घर बंदा चलावे, एक करोली मीटर से चल रही है, लोड भी नहीं है जी बत्ती का, यकीन करो। बिल कितना आंदा है? बिल बहुत 4-5 हजार बस बस। वाह खान भाई, ए कोलू का दौर गया, पानी वाला दौर गया। कोलू जो पानी लाओ तो तेल निकलेगा ना, सर पाओ तेल बाहर। उससे वेले मैं कहना केमिकल जान छुड़ाओ, खालिस तेल खाओ, बीमारियां जान छुड़ाओ। जबरदस्त यार, खालिस तेल यही बेच रहे हो? कुकिंग ऑयल? बिल्कुल बिल्कुल, आप घर इस्तेमाल कर रहे हैं। जबरदस्त, अपने घर हांडी इसे तेल च बन दी? बिल्कुल, तो 2 मिनट बहुत तुम रोटी खुआने। अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ओन अब्बास साहब। आज से 8 महीने पहले अपने घर के अंदर ये मॉडर्न कोलू यानी के कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन लगा ली, माशाल्लाह कामयाबी के साथ चला रहे हैं। ये देखे जी, आप बड़े हैरान होंगे इस अचार का यहाँ पे क्या काम है। यही इसी मशीन से निकाला हुआ ऑयल इस अचार के अंदर इस्तेमाल किया गया, यही कुकिंग ऑयल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यही ऑयल हिकमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खल भी टिकटों की तरह सेल कर रहे हैं। इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि बड़ी कामयाबी के साथ माशाल्लाह सेटअप चला रहे हैं। अभी नहीं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये मशीन एफिशिएंसी कितनी देती है, यानी कि एक घंटे में कितने किलो सरसों को प्रोसेस कर रही है? एक घंटे में तकरीबन 20 किलो 20 किलो सरसों को प्रोसेस कर दी है। 20 किलो सरसों में से कितना तेल निकलता है? तकरीबन 6 किलो निकलता है। 6 किलो 6 से 6.5 किलो 6 से 6.5 किलो तेल निकलता है। आप कितने रुपए किलो तेल सेल करते हैं? 700 रुपए किलो तेल सेल करते हैं। 700 रुपए किलो जी, यानी कि तकरीबन 4500 रुपए का तेल बेच लेते हैं जी इंशाल्लाह। ठीक है, और यानी कि एक घंटे के अंदर? एक घंटे के अंदर। और उसमें से खल कितनी निकलती है? इसमें 27 किलो खल निकलती है। 27 किलो तो एक मन में से निकलती है ना जी? यानी कि एक मन का मतलब 2 घंटे में जी? 2 घंटे में 28 किलो 2 घंटे में 28 किलो 28 किलो खल निकलती है। अच्छा, खल किस रेट पे सेल कर रहे हैं? खल ये तकरीबन 95 रुपए किलो, यानी कि 7-8, 100-65 जैसे मार्केट का जैसे वनडे का रेट होता है वो सेल उस हिसाब से, यानी कि 5-4 रुपए ऊपर नीचे होता है, हो जाता है। ये जो तोड़े के अंदर है इस टाइम बंद करके रखे, इसमें क्या है? ये खाल है, इसमें एक मान खाल है इसमें। अच्छा, तो आप खुद बेचने जाते हैं इसको? वो वनडे वाले आते हैं, वो ले जाते हैं खुद ही, इधर से आके ले जाते हैं, वंडा जो बनाते हैं और वो आके खल ले जाते हैं, वो ले जाते हैं खाल। ठीक है, और इसके बाद ये खल आपने सेल कर दी, एक मन में से खल 2800 रुपए की सेल हो गई जी। और तेल कितने रुपए का सेल हुआ तकरीबन? 700 का किलो 700 का किलो। और अगर इसमें से 12 किलो तेल निकलता है? 13 किलो 12 किलो 12.5 किलो 12 किलो एक मन से, तो तकरीबन अगर 10 किलो तेल निकले तो 7000 का हो गया। बिल्कुल, और 12 किलो तेल तकरीबन आपका थोड़ा सा और उसके अंदर ऐड कर ले, 7.5-8 हजार रुपए का, 8800 तकरीबन, यानी कि 8000 भी लगा ले। 8000 रुपए का आपका तेल सेल हो रहा है, और खल कितने की सेल हो रही है? 2800 रुपए की। हम 2500 की लगाते हैं जी। बिल्कुल, यानी कि 10500 रुपए में फरोख्त होती है। सरसों की कीमतें खरीद कितनी है? सरसों की पहले रेट था 6500 रुपया, अब भी हाँ जी, अब जो है ना वो 6000 रुपए है। 6000 मिल जाए, चलो 6000 लगा ले, 6000 रुपए लगा कर 10000 रुपए कमाए जी, यानी कि 4000 रुपए बचत तकरीबन। 2000 रुपए 2000 एक मन में से 2000 रुपए 2000 किस तरह आपने कैलकुलेट किया वो दोबारा फिर समझाए। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 4000 बनती है। हाँ, वो किस तरह के? अगर आप 7000 लगा ले कम से कम, 7000 रुपए की ऑयल बेच ले जी, और 2000 रुपए का 2500 रुपए का ये बेच दे, 9500 हो गए। हाँ जी, 9500 में से 6000
अभी रेट कम हुआ है ना इसका। अच्छा पहले इतने बचते, पहले इतने बचते, ठीक है, यानी कि अभी तकरीबन 3500-4000 बचत है, बचत है तकरीबन एक मन पे, एक मन पे। और रोजाना तकरीबन 4 मन प्रोडक्शन कर देती है 8 घंटे में, 8 घंटे में 4 मन तकरीबन हमारे, 3 मन या 2 मन डेली का निकालते हैं, ठीक है। और तकरीबन अगर रेगुलर चलाए इसको 8 घंटे जी, तो आसान अल्फाज में तकरीबन डेली की कोई 8000-9000 तक भी बचा सकते हैं अगर रेगुलर चलाए, रेगुलर चले, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर दिन में 2-3 घंटे चलाएं तो 1500-2500-2500 बच जाते हैं आराम, बचा घर बैठे, हाँ जी ठीक है जी। इरफान भाई ये अचार तुसी बड़ा खादा होगा, पर ऐसे मशीन चो तेल असी कढ़िया जे अचार तुसी खा के वेखो एक बारी, मार्केट तुसी अचार खादा होगा, पहले घर दा बनया अचार जी, एक बार खा के चेक करो, घर में बनाया है, हाँ जी, और इसी मशीन से ही निकाला गया तो तेल कड़ा है, खा के चेक करो एक बार जरा, सही है, सही माशाल्लाह जबरदस्त, हाँ जी प्योर तेल है ना, प्योर खालिस शीशा है, शीशा बिल्कुल, कोई फिल्टर नहीं किया हुआ, अच्छा कोई फिल्टर नहीं किया हुआ इसको, सही है जबरदस्त है। हाँ अच्छा ये बताएं आपने ना इसको मुख्तलिफ पैकिंग में भरा हुआ है, हाँ जी, ये फिल्टर के बगैर है, ये फिल्टर के बगैर है, ठीक है, जैन जूम करके दिखाएं करीब करके, अच्छा उसके बाद ये बोतलें भी हैं, हाँ जी ये वाली बोतलें भी हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ साइज, ये गांव वाले लोग जो आते हैं ना वो कहते हैं कि हमें 500 का चाहिए या हमें 400 का चाहिए, ठीक है, तो वो इस हिसाब से ले लेते हैं। तो आप तेल बेचते किधर हैं, बेचने जाते हैं लोग खुद आके ले जाते, खुद आके लेके जाते हैं, ना करें यार, खुद आके तेल लगे टोटल टोटल सोशल मीडिया पे कंप्लेन करते हैं और ये खुद आके ले जाते हैं, जितने तेल जरूरत होती है फोन करते हैं उसको दे जाते हैं, बाकी खुद आके लेके जाते हैं, बिल्कुल ये जितना भी तेल है सारा है खुद आके लोग ले जाते हैं, जबरदस्त है फिर, ये तो अच्छी चीज है। और आसान अल्फाज में अगर कहें तो आप इस मशीन से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं जी, बिल्कुल ठीक है। लोगों को ये कारोबार क्यों करना चाहिए, कारोबार देखिए जब महंगाई का दौर चल रहा है कारोबार तो अपना ही हो ना, क्योंकि कहते हैं कि नौकरी जो होती है वो खानदान पालती है और कारोबार नस्लें पालती है, अपना कारोबार आज करेंगे इंशाल्लाह जो वो फिर नस्ल दर नस्ल चलेगा कारोबार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तेल आप इस तेल को कुकिंग ऑयल यानी कि घर में सब्जी वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या सर वगैरह पे लगाने के लिए, सर ये घर में अपने जो है ना वो सब्जी वगैरह पकाते हैं, इसमें करेले वगैरह भिंडियाँ वगैरह इसमें टिक्कियां वगैरह बनाते हैं, पकोड़े वगैरह बनाते हैं, आपके अपने घर में भी बनते हैं, अपने घर में बना रहे हैं अभी भी बन रहा है, अच्छा हाँ जी। लोग जो आपसे ऑयल लेके जाते हैं वो घर में सब्जी वगैरह पकाने के लिए, वो अचार के लिए लेके जाते हैं और सब्जी के लिए पकौड़ों के लिए लेके जाते हैं, यानी कि अपने घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं, और अगर मैं ये कह दूं ये कुकिंग ऑयल है तो ये बात ठीक है, बिल्कुल 100% है, ठीक है। अच्छा आप क्या क्या कहानी सुना के बेचते हैं, कोई कहानी नहीं सुनाते, मैं ये कहता हूँ एक दो बंदा एक बार तेल इस्तेमाल करेगा ना वो खुद बताएगा, क्योंकि जो कोल्हू तेल बंदा लेकर जाता है ना उस तेल से हमारा 1 लीटर तेल हो वो कोल्हू वाला तेल उससे 4 किलो बना देते हैं, जैसे पानी लगा के नमक लगा के सोडा लगा के उससे बना देते हैं तो वो 4 किलो बन जाता है ये तेल, सही है। हमने खालिस तेल देना है, बिल्कुल खालिस तेल देना है, ठीक है, हाँ चाहे इसे टाइम लग जाए पर खालिस तेल हमने सेल करना है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और अगर आपसे कोई तेल खरीदना चाहे पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी, हाँ तो उनको भेज देंगे, भेज देंगे जी, TCS करवाएंगे या क्या करवाएंगे, जी पोस्ट ऑफिस भेजूंगा, मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर भी हूँ, डाकखाने से खुद भेजूंगा उसको, अच्छा हाँ जी, पहले भेजा कहीं पे, हाँ किधर, इधर शाहीवाल भेजा मैंने, अच्छा क्या रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सही है। अपना मोबाइल नंबर बताएं, मेरा मोबाइल नंबर 03006577727, ये इनका मोबाइल नंबर है। अगर आप बना बनाया यानी कि बिल्कुल खालिस तेल खरीदना चाहें, बीमारियों से जान छुड़वाना चाहें, तो आप भी, ये भाई का एड्रेस है कसूर, कसूर कौन सी जगह पे, ये कसूर के साथ गांव है मान, ठीक है, विलेज मान, मान में है कसूर, जिला कसूर में, यानी कि कसूर से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर पीछे है कसूर से ही, मेन रोड पे ही इनका यहाँ पे एड्रेस है, खुद आके विजिट करके देख के लेना चाहें तो आप विजिट करके खरीद सकते हैं, अगर खल खरीदना चाहें उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, या खल होती नहीं है, खल होती नहीं, खल तो निकल जाती है, पहले ही एडवांस बुकिंग होती है, ठीक है जी, खल के लिए तो माजरत कर ली पहले भाई ने, आप तेल आप खरीद सकते हैं जी, और आपकी डिमांड पे मजीद प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, मजीद यूनिट को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखें जो आप दुकान से कुकिंग ऑयल खरीदते हैं ना, डालडा घी सूफी घी,
वो केमिकल है, आप केमिकल खा रहे हैं, ये असल है, वो भी 600 रुपए है, ये भी 600-700 रुपए आपको मिल जाएगा। 100 या 50 रुपए कम या ज्यादा नहीं, बल्कि आपकी जान से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं है। दिन रात आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खालिस चीज इस्तेमाल करें। और अगर आप ये फैक्ट्री लगाना चाहें, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, ये देखे भाई ने घर के अंदर ही परिंदे रखे हुए हैं, यानी कि कोई कमर्शियल नहीं, घरेलू बिजली पे चला रहे हैं, घरेलू बिजली पे चला रहे हैं, घरेलू बिजली पे चला रहे हैं जी, घर में ही चलाते हैं, घर में बनाते हैं और बड़े खुश है माशाल्लाह। जब पहले दिन मशीन लेके आए, आते ही क्या बनाया आपने जी? पहले दिन जो मशीन जब आई है ना, तो साथ हमने मंडी से खाल ली है और मछली मंडी से हमने मछली ली है। सही है। मछली लेके जी हमने क्या है जी, अपने तेल से हमने मछली बनानी है जी। तेल निकाला पहले, तेल निकालने के बाद जी हमने फिर मछली फ्राई करके फिर सब ने खाई है, घर वाले ने सब ने खाई है। पहले दिन ही? पहले दिन अंडे सारी कट्टा खोलता जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे गल, कोई इन्हें तो कोई तनु तरीका नहीं आता है। पहले दिन उन्हें कहते ना तरीका सीखो, कोई तरीका नहीं है। तेल काट के मछली पकाती है। सही, फ्राई करके। जब आप ये मशीन लेने आए, क्या आपने खुद मेरी वर्कशॉप विजिट की थी? जी बिल्कुल, मेरी तोड़ वर्कशॉप भी विजिट की थी, सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर देखा था? नहीं, ट्रेनिंग सेंटर भी देखा था, वर्कशॉप भी विजिट करके आपसे मुतमिन होके फिर आपसे ली थी। बिल्कुल ठीक है। और ये बिजनेस शुरू करने से पहले कोई डर भी था दिल के अंदर? नहीं, कोई डर नहीं कि असी करांगे तो कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। यही आपकी कामयाबी की जमानत है, आपने स्ट्रोंग फैसला लिया और आज तक डट के काम कर रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जो बेरोजगारी, जो बेरोजगार परेशान लोग हैं, उनको ये कारोबार करना चाहिए। इरफान भाई से रब्ता करके तो बड़ा अच्छा सेटअप लगा के देंगे आपको और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आए, सीखें और अपना कारोबार करें। अगर आप ये मशीन खरीदना चाहे, हमारे पास इसमें डिफरेंट मॉडल होते हैं, 7 मॉडल भी है, 1,25,000 रुपये का है, 12 मॉडल 2,20,000 रुपये का है, 20 मॉडल 3,00,000 रुपये का है, 40 मॉडल भी है, यानी कि एक घंटे में एक मन सरसों भी प्रोसेस करता है। हर तरह के मॉडल आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, उसके बाद मन पसंद का रेट लेते हैं। इन भाइयों ने क्या किया है, इसी मशीन से तेल निकाला, इसके अंदर जो प्याज होती है ना उसका अरक डाला गरम करके, या एक दो चीज़ें और इसके अंदर डाली, और अब एक नया हेयर ऑयल बना दिया है ब्लू स्टार के नाम से, रजिस्टर्ड है ये इस नाम से बना के, अब ये इसी को बेच भी रहे हैं। यानी कि अगर किसी के बाल झड़ते हैं, गिरते हैं, उनके लिए ये बड़ा फायदेमंद साबित होता है। यानी कि जो तेल 700 रुपये किलो सेल होता है, उसको आप 7,000 रुपये किलो तक भी बेच सकते हैं, बशर्त ये कि आप उसमें वैल्यू एडिशन करना सीख लें। भाईजान, ये भी आप इस तरह से भी बेचते हैं इसको? जी बिल्कुल इरफान भाई, ये इसमें कुछ दो तीन चीजें आपने अभी बताई हैं जो ऐड करके ये तेल बनाई, ये जो गंजेपन, जो गंजे हो रहे हैं दिन ब दिन, ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह तो बड़ा फायदा होगा। यानी कि ये इसमें ऑर्गेनिक है, केमिकल्स कोई नहीं है? केमिकल कोई नहीं है, तेल अपनी घर का, अपने तेल, अपना ऑर्गेनिक चीजें हैं। बिल्कुल, आए सीखें और अपना कारोबार करें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेजबान इरफान साइंस वाला को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।